की नाइट क्लब पर रेड क्रिकेटर सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा समेत 34 लोग गिरफ्तार, बाद में मिली बेल, कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे पार्टी। नेपाली संसद भंग करने पर घिरे पीएम केपी शर्मा ओली, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 संगठनों ने दायर की याचिका, सफाई में ओली ने अपने फैसले के लिए भारत को बताया जिम्मेदार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, जो भी देश का है उसे देश के हर नागरिक की तरह मिलेंगे अधिकार, जिसे कोई नहीं छीन सकता। विदाई से पहले ट्रंप की चीन और रूस पर बड़ी कार्रवाई, चीन और रूस से जुड़ी 103 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध, आतंकवाद और सैन्य संबंधों का लगाया था आरोप। ब्रिटेन से भारत आए 2 यात्रियों में पाया गया कोरोना वायरस, ब्रिटेन में आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर सतर्क हुई भारत सरकार, विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक रहना होगा क्वारंटीन। अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किया सम्मानित, दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को बढ़ाने में मोदी ने की थी मदद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने की गोलीबारी, दागे मोर्टार, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई, मुड़ाए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां और बंकर। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर पकड़ी गई ड्रग तस्कर विदेशी महिला, 2.5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, सैंडल में छिपाकर लाई थी 501 ग्राम हीरोइन। महाराष्ट्र में आज से लग जाएगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए सरकार का निर्णय। महाराष्ट्र में इस साल सड़कों पर नहीं मना पाएंगे नए साल का जश्न, उद्धव सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए लिया निर्णय, जश्न से ज्यादा जरूरी सुरक्षा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।